प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विश्वकर्मा योजना की करेंगे शुरुआत। देश भर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के कारीगरों शिल्पकारों को आर्थिक रूप से सहयोग करना है योजना का उद्देश्य। प्रधानमंत्री नई दिल्ली में इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि का भी करेंगे उद्घाटन। अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित विश्व के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर में 11,000 प्रतिनिधियों के बैठने की है क्षमता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम करेगी शुरू। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश भर में आयोजित होंगे सेवा पखवाड़ा के विभिन्न कार्यक्रम। 17 से 24 सितंबर तक आयुष्मान भव के अंतर्गत होंगे अनेक कार्यक्रम। संसद के विशेष सत्र से पहले केंद्र ने बुलाई आज सर्वदलीय बैठक। कल से शुरू होने जा रहे संसद के विशेष सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर रहेगा जोर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नए संसद भवन के गज द्वार पर फहराया राष्ट्रीय ध्वज। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी समेत तमाम गणमान्य रहे मौजूद। भारत और श्रीलंका के बीच आज खेला जाएगा एशिया कप का फाइनल। खिताब का बचाव करने उतरेगी श्रीलंकाई टीम, वहीं 8वीं बार खिताब पर कब्जा जमाने को उतरेगा भारत। डायमंड लीग फाइनल में इतिहास रचने से चूके नीरज चोपड़ा, 83.80 मीटर थ्रो के साथ रजत पदक से करना पड़ा संतोष। चेक गणराज्य के वार्डलेश ने जीता स्वर्ण पदक। नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर आज पीएम विश्वकर्मा नाम से एक नई योजना का शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी का पारंपरिक क्षेत्र में लगे लोगों को सहायता प्रदान करने पर निरंतर ध्यान केंद्रित रहा है। ये फोकस न केवल कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करने बल्कि स्थानीय उत्पादों, कला और शिल्प के जरिए सदियों पुरानी परंपरा, संस्कृति और विविध विरासत को जीवित और समृद्ध बनाए रखने की इच्छा से भी प्रेरित है। पीएम विश्वकर्मा को 13,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित किया जाएगा। विश्वकर्मा योजना के तहत लाखों कारीगरों और शिल्पकारों को इस योजना के तहत बायोमेट्रिक आधारित पीएम विश्वकर्मा पोर्टल का उपयोग कर सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से विश्वकर्माओं का निःशुल्क पंजीकरण किया जाएगा। उन्हें पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र, मूलभूत और उन्नत प्रशिक्षण से जुड़े कौशल उन्नयन, 15,000 रुपए का टूल किट प्रोत्साहन, 5% की रियायती ब्याज दर पर 1,00,000 रुपए की पहली किश्त और 2,00,000 रुपए की दूसरी किश्त तक संवर्धित युक्त ऋण सहायता, डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहन और विपणन सहायता के माध्यम से मान्यता प्रदान की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य है कारीगरों को आर्थिक सहायता देना। ये योजना कारीगरों के पारंपरिक कौशल के अभ्यास को बढ़ावा देना और मजबूत करने में मदद करेगी। ये कारीगरों तक उत्पाद और सर्विस को सही से पहुंचाने में भी मदद करेगी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर भगवान विश्वकर्मा की जयंती पर अपने सभी परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई दी है। इस अवसर पर अपनी लगन, प्रतिभा और परिश्रम से समाज में नव निर्माण को आगे ले जाने वाले सभी शिल्पकारों और रचनाकारों का हृदय से वंदन करता हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर अपने संदेश में कहा कि सृजन और रचना के प्रतीक भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती की सभी को शुभकामनाएं। इस अवसर पर अपने कौशल व सृजन शक्ति से आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में जुटे सभी शिल्पियों को नमन करता हूं। प्रधानमंत्री आज दिल्ली के द्वारका में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर
यशोभूमि राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएम मोदी दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन का द्वारका सेक्टर 21 से सेक्टर 25 तक विस्तार का भी उद्घाटन करेंगे। यशोभूमि में विश्व स्तरीय बैठकें, सम्मेलन और प्रदर्शनियां आयोजित की जा सकेंगी। 8.9 लाख वर्ग मीटर से अधिक के कुल परियोजना क्षेत्र और 1.8 लाख वर्ग मीटर से अधिक के कुल निर्मित क्षेत्र के साथ यशोभूमि दुनिया की सबसे बड़ी MICE सुविधाओं में अपना स्थान बनाएगी। यशोभूमि में दुनिया के सबसे बड़े प्रदर्शनी हॉलों में से एक है। 1.07 लाख वर्ग मीटर से अधिक में बने इन प्रदर्शनी हॉलों का उपयोग प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों और व्यवसायिक कार्यक्रमों की मेजबानी के लिए किया जाएगा। यशोभूमि स्थिरता के प्रति एक मजबूत प्रतिबद्धता भी प्रदर्शित करती है, क्योंकि ये 100% अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग, वर्षा जल संचयन के प्रावधानों के साथ अत्याधुनिक अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली से सुसज्जित है और इसके परिसर को CII के भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से प्लैटिनम प्रमाण प्राप्त हुआ है। यशोभूमि आगंतुकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उच्च तकनीक सुरक्षा प्रावधानों से भी सुसज्जित है। 3000 से अधिक कारों के लिए भूमिगत कार पार्किंग सुविधा भी, 100 से अधिक इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट भी हैं इसमें। और प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर भारतीय जनता पार्टी आज से सेवा पखवाड़ा शुरू कर रही है। आज से 2 अक्टूबर तक पार्टी देश भर में सेवा पखवाड़ा के तहत अलग अलग सेवा के कार्यक्रम का आयोजन करेगी। मोदी सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों के बारे में इस दौरान जनता को जानकारी दी जाएगी। सेवा पखवाड़े में रक्तदान व स्वास्थ्य शिविर के आयोजन के साथ मोदी सरकार की योजनाओं से वंचित पात्र लोगों को योजना का लाभ भी दिलाया जाएगा। इसी दौरान मेरी माटी मेरा देश के कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। 17 से 24 सितंबर तक आयुष्मान भव के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर उन्हें शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मेरी शुभेच्छा है कि अपनी दूरगामी दृष्टि तथा सुदृढ़ नेतृत्व से आप अमृत काल में भारत के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त करें। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सदा स्वस्थ और सानंद रहें तथा देशवासियों को अपने अप्रतिम नेतृत्व से लाभान्वित करते रहें। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। जेपी नड्डा ने अपने एक्स संदेश पर कहा कि विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय जन नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्म दिवस की सादर शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय संस्कृति की वैश्विक प्रतिष्ठा, जनता जनार्दन के बहुआयामी विकास व राष्ट्र के सार्वभौमिक उत्कर्ष को आपने साकार स्वरूप प्रदान किए हैं। अंत्योदय का हमारा ध्येय आज देश के प्रत्येक गांव में व समाज के हर वर्ग तक पहुंचकर विकसित भारत के संकल्प सिद्धि का मंत्र बन गया है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के हम सभी कोटिश कार्यकर्ताओं को सदैव आपका नेतृत्व प्राप्त होता रहे। आप यशस्वी हो, दीर्घायु हो। और जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो भी साझा किया है। हमारे प्रधानमंत्री जी का हमेशा से यह मानना रहा है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मिलना चाहिए। बाल्यकाल से लेकर आज तक उन्होंने अपने बारे में नहीं बल्कि गरीबों, वंचितों, पीड़ितों और शोषितों के कल्याण के बारे में सोचा, राष्ट्र के उत्थान के बारे में सोचा है। एक अत्यंत सामान्य परिवार में पैदा होने के बाद उनके जीवन, उनके मन में गरीबों के लिए काम करने की, जीवन स्तर को बदलाव लाने की भावना बचपन से ही दृढ़ रही है। उनकी यह दृढ़ता उनकी नीतियों में,
योजनाओं में स्पष्ट दिखाई देती है। इसलिए उनकी हर नीति के केंद्र बिंदु में देश के गांव, गरीब, किसान, दलित, पीड़ित, शोषित और वंचित ही हैं। एक निर्वाचित प्रमुख के तौर पर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 20 वर्षों का लंबा अविरल कार्यकाल सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबके प्रयास के प्रति समर्पित रहा है। सबके प्रयास को साथ लेकर जन भागीदारी की नई इबारत लिखी जा रही है। उन्होंने बहुत से ऐसे कार्य किए जिसके बारे में किसी ने भी कभी सोचा भी नहीं था कि ये कभी पूरा भी हो सकता है। मैंने बहुत नज़दीक से अनुभव किया है कि उनमें कई ऐसी विशेषताएं हैं जो उनके व्यक्तित्व को बहुआयामी बताती है। कठोर परिश्रम करना, स्पष्ट दृष्टि रखना और जनता की भलाई के लिए समर्पित रहना उनका स्वभाव है। उनसे हम सबको देश के लिए सतत कार्य करने और करते रहने की प्रेरणा मिलती है। उनके नेतृत्व में देश विकास के पथ पर अग्रसर है। विश्व पटल पर भी भारत की साख में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश की राजनीतिक कार्य संस्कृति को बदल कर रख दिया। आज उनके नेतृत्व में जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति की जगह विकासवाद की राजनीतिक संस्कृति प्रतिष्ठित हुई है। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि प्रधान सेवक के रूप में देश की सेवा की है। देश की जनता के साथ उनका एक भावनात्मक संबंध है। वह हर भारतवासी के दिल में रचे बसे हैं। वे देशवासियों को हमेशा समाज के लिए अच्छा करने के लिए प्रेरित करने वाले आधुनिक भारत के समाज सुधारक भी हैं। उनकी एक आवाज पर संपूर्ण राष्ट्र एकजुट होकर लक्ष्य को साकार करने के प्रति तत्पर हो जाता है। मुझे यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि उनके बेदाग सार्वजनिक जीवन एक राजश्री का जीवन है जिसका एक ही उद्देश्य है जन जन का विकास। उनकी सोच हमेशा रचनात्मक होती है। वे हमेशा समस्याओं का समाधान रचनात्मक सोच के माध्यम से करते हैं। उनका एकमात्र ध्येय भारत वर्ष को विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित करना है। आज के दिन हम अपने प्रधानमंत्री जी के जीवन से प्रेरणा लें और राष्ट्र निर्माण एवं जल कल्याण में अपने को समर्पित करें। हमें एकजुट होकर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए देश को विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित करने के लिए कटिबद्ध भाव से काम करें। तो समस्त भारतवासियों का गौरव, समस्त भारतवासियों के सपनों को साकार करते हुए लगातार आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि अपनी दूरदर्शिता, अथक परिश्रम और निस्वार्थ सेवा भाव से करोड़ों लोगों के जीवन में समृद्धि और विश्वास लाने वाले देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही ईश्वर से आपकी दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना करता हूं। साथ ही अमित शाह ने एक वीडियो भी साझा किया। तो गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर ट्विटर संदेश के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी जन्मदिन की बधाई दी है। और आज हर भारतवासी ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में लगातार उन्हें बधाई दी जा रही है, शुभकामनाएं दी जा रही हैं प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन पर। नरेंद्र मोदी जी का देश की राजनीति में आना ये महज कोई अकस्मात नहीं था। अगर मोदी जी के 20 साल मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पद के समझने हैं
तो उसके पहले के 30 साल तक की हुई तपस्याओं के अंदर झांकना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, तब जाकर सफल 30 साल को आप समझ पाएंगे। एक व्यक्ति सब कुछ त्याग कर घर से निकलता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से जुड़ता है, सब कुछ त्याग कर कार्यालय में साफ सफाई करने से लेकर मेरे जैसे कई कार्यकर्ताओं का प्रेरणा स्रोत बनता है, संगठन के मूल सिद्धांतों को समझकर गुजरात जैसे विशाल प्रदेश के कई गांवों में स्कूटर पर जाकर कई दिन तक पैदल चलकर गरीब से गरीब घर का संपर्क करता है, भाजपा की संघ की विचारधारा का प्रचार प्रसार फैलाव करता है और करते करते देश की समस्याओं की जानकारी लेता है, गरीबों के दुख दर्द को समझता है, अपने आप को गरीबों के दुख दर्द के साथ जुड़ता है और फिर चिंतन कर इसका समाधान ढूंढने के लिए प्रयास करता है। मोदी जी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने इस देश के लोकतंत्र की जड़ों को पाताल तक गहरी करने का काम किया है। मैंने अनेक पद पर देखा है मित्रों, वो ही फकीरी मस्ती के साथ सादगी के साथ जीना वाला आदमी राजनेता नरेंद्र मोदी जैसा मेरे जीवन में नहीं। समर्थ स्वामी रामदास ने जो कल्पना करी थी उपभोग शून्य स्वामी की, उपभोग शून्य स्वामी की व्याख्या को इस युग के अंदर मोदी जी ने चरितार्थ किया। इसी का कारण है जनता उनको मानती है, जनता उनको स्वीकारती है, जनता उनका सम्मान। एक स्टेट्समैन जैसी छवि हर समस्या को मानवीय अवगुणों से, मानवीय दुर्बलताओं से ऊपर उठकर सोचने का एक पद्धति समग्र विश्व और समग्र भारत में उनको अलग बनाकर रखा है। एक टीम लीडर के नाते समग्र देश का आज नेतृत्व कर रहे हैं, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, पूरे देश की 130 करोड़ की जनता का नेता का नाम एक ही नाम है, श्री नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। राजनाथ सिंह ने अपने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि भारत के यशस्वी एवं कर्मयोगी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। उन्होंने भारत को न केवल नई पहचान दी है बल्कि संपूर्ण विश्व में उसका मान भी बढ़ाया है। लोक कल्याण और गरीब कल्याण के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध मोदी जी ने भारत को विकास की नई बुलंदियों तक पहुंचाया है। उनके नेतृत्व में भारत उत्तरोत्तर प्रगति करता रहे और वे ऐसे ही मां भारती की सेवा करते रहे। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की और दीर्घायु की होने की ईश्वर से कामना करता हूं। और इस वक्त सीधे रुख करेंगे हैदराबाद मुक्ति दिवस पर, गृहमंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे हैं। सारे लोग यहां से पूरे देश में आवाज जानी चाहिए, आज हैदराबाद मुक्ति दिन है, मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए मुक्ति के संघर्ष को श्रद्धांजलि के लिए। प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित मेरे मित्र और साथी मंत्री, तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान जी किशन रेड्डी जी, भारत सरकार के गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला जी, संस्कृति मंत्रालय के भारत सरकार के सचिव श्री गोविंद मोहन जी, निर्देशक आसूचना ब्यूरो श्री तपन डेका जी, सीआरपीएफ के डीजी डॉक्टर सुजोय लाल थाउजन जी, एसएसबी की डीजी श्रीमती रश्मि शुक्ला जी, आज जिन्होंने शिस्तबद्ध और शौर्य से प्रेरित परेड का प्रदर्शन किया है,
सीआरपीएफ और सीआईएसएफ के मेरे प्यारे जवान भाइयों बहनों, उपस्थित सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस के परिवारजनों और तेलंगाना के प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को तेलंगाना मुक्ति दिन की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। सबसे पहले मैं यहां हैदराबाद मुक्ति संघर्ष में लाखों लाखों जनता ने जो हिस्सा लिया वो वीर नागरिकों को प्रणाम करना चाहता हूं। इसके साथ साथ कई लोगों ने हैदराबाद को मुक्त कराने के लिए अपनी जानों का बलिदान दिया, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। वो जनता और वीर शहीद जवानों को भी मैं शीश झुकाकर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। और आज तेलंगाना, कल्याण, कर्नाटक और मराठावाड़ के एक विशाल क्षेत्र को भारतीय संघ में विलय करने के लिए जिनकी प्रमुख भूमिका रही, वो सरदार पटेल को भी मैं बहुत श्रद्धा के साथ नमन करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूँ। मित्रों, आज तेलंगाना मुक्ति के 75 साल पूर्ण हो रहे हैं। मैं कोई झिझक के बगैर कहना चाहता हूँ कि महापुरुष, लोह पुरुष सरदार पटेल न होते तो तेलंगाना को इतनी जल्दी मुक्ति नहीं मिलने वाली थी। वो सरदार पटेल ही थे जिन्होंने सारी चीजों को ठुकरा कर सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम के सिद्धांत को चरितार्थ कर हैदराबाद पुलिस एक्शन की डिजाइन की और उसको खून का कतरा बहाए बगैर निजाम के रजाकारों की सेना को सरेंडर कराने का साहस दिखाया। सरदार पटेल और के एम मुंशी की ये युति ने, ये जोड़ी ने तेलंगाना क्षेत्र के, कर्नाटक के बीदर क्षेत्र के और मराठावाड़ा के ये विशाल क्षेत्र को हमारे महान देश के साथ जोड़ने का काम किया। इसके साथ साथ तेलंगाना मुक्ति के लिए स्वामी रामतीर्थ, एस चेन्ना रेड्डी, नरसिम्हा राव, साहिक बंदगी, के वी नरसिम्हा राव, विद्याधर गुरु, पंडित केशव कोरटकर और इसके साथ साथ अनाबेरी प्रभाकर राव, वद्दम येल्ला रेड्डी, रवि नारायण रेड्डी, बरुगुला रामकृष्ण राव, कलोजी नारायण राव, दिगंबर राव, वामन राव नाईक और श्री वाघमरे को भी मैं मन से श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। मित्रों, अभी अभी देश ने अपने आज़ादी का महोत्सव मनाया और आज तेलंगाना मुक्ति का दिन है। अंग्रेजों के गुलामी से मुक्ति के बाद, समग्र देश आज़ाद होने के बाद 399 दिन तक यहाँ पर क्रूर निजाम का शासन रहा और ये 399 दिन 400 दिन समग्र तेलंगाना क्षेत्र की जनता के लिए नरक की यातनाओं से भी कठिन दिन थे। सरदार पटेल ने इस क्षेत्र की जनता की भावनाओं को सम्मान देते हुए 400वें दिन पर इस क्षेत्र को आजाद किया। कई संगठनों ने संघर्ष किया, आर्य समाज, हिंदू महासभा, उस्मानिया यूनिवर्सिटी में छेड़ा गया वंदे मातरम आंदोलन, बीदर क्षेत्र के किसानों द्वारा रचे गए लोक संघर्ष के गीत और आंदोलन और युवाओं ने साथ में मिलकर तेलंगाना मुक्ति का जो आंदोलन किया था उसको अंतिम स्वरूप देने का काम हमारे श्रद्धेय लोह पुरुष सरदार पटेल ने किया। मित्रों, जैसा किशन जी ने बताया,
75 साल तक देश की किसी सरकार ने इस महान दिन को, इसकी ऐतिहासिक स्मृति को, हमारी युवा पीढ़ी को याद कराने के लिए कार्यक्रम की रचना नहीं की। तुष्टीकरण की नीति के कारण हमेशा वो डरते रहे और तेलंगाना मुक्ति दिन मनाने की सिलसिला नहीं शुरू हुआ। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देना चाहता हूं कि 17 सितंबर को गत वर्ष जब 75 साल हुए, उन्होंने एक नई परंपरा शुरू की। 17 सितंबर को सांस्कृतिक मंत्रालय तेलंगाना विमोचन दिन मनाएगा और वो महान शहीदों को श्रद्धांजलि देकर हमारे नई पीढ़ी को ये संघर्ष की याद दिलाएगा। मित्रों, इसके पीछे हमारे तीन उद्देश्य हैं। एक, नए पीढ़ी को, बालकों को, किशोरों को ये महान संघर्ष की याद दिलाना और देशभक्ति के संस्कार से सिंचित करना। दूसरा, उन शहीदों को श्रद्धांजलि देना जिन्होंने हैदराबाद मुक्ति के लिए काम किया। और तीसरा, अपने आप को, राष्ट्र को पुनः समर्पित करना कि शहीदों ने जो स्वप्न देखे थे, इस प्रकार के राष्ट्र की निर्मिति के लिए हम आगे बढ़े। आज यहाँ पर SSB इब्राहिम पट्टन के पारिवारिक आवास का वर्चुअल शिलान्यास हुआ है। SSB की फोर्स में काम करने वाले दक्षिण भारत के सारे जवानों के परिवारों के लिए एक नई शुरुआत है और मैं आशा करता हूँ उससे परिवारजनों के जीवन में काफ़ी सुलभता आएगी, सुगमता आएगी और सुविधा युक्त जीवन ये जी पाएंगे। आज यहाँ पर प्रसिद्ध पत्रकार और शहीद शोएबुल्ला खान और रामजी गोंड दोनों की स्मृति में डाक टिकट भी जारी किए गए हैं और आज यहाँ दिव्यांग भाइयों और बहनों को भी बैटरी से चालित ट्राइसिकलर का वितरण भी करने वाले हैं, क्योंकि आज हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और उसको हम सेवा दिन के रूप में भी मनाते हैं। आज ही के दिन मोदी जी का जन्म हुआ और विगत 9 वर्षों में आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले हमारे आज़ादी के नेताओं ने जो स्वप्न देखे थे, वो भारत के निर्माण के लिए मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत आगे बढ़ चुका है। 11वें स्थान पर जो रही थी हमारी अर्थव्यवस्था 2014 में, वो आज 5वें स्थान पर आई। चंद्रयान पहुंचाने वाला भारत विश्व में चौथा देश बना है और G20 के माध्यम से भारत की संस्कृति, भारत की कला, भारत के खान पान, भारत की वेशभूषा, भाषाएं, ये सभी को विश्व के अंदर प्रसिद्ध करने का काम हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री ने किया है। इसके साथ साथ अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल कर G20 को G21 में परिवर्तित करने का काम भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। आतंकवाद, क्लाइमेट चेंज और अर्थव्यवस्था के बारे में मोदी जी का दृष्टिकोण समग्र विश्व के नेतृत्व ने आज स्वीकारा है और वो वैश्विक एजेंडा के रूप में दिल्ली डिक्लेरेशन से प्रस्थापित हुआ है। हमारे देश की कई धरोहर, चाहे उड़ीसा का कोणार्क मंदिर हो, चाहे नालंदा यूनिवर्सिटी हो, चाहे मधुबनी का पेंटिंग हो, इसको समग्र विश्व के सामने रखने का काम ये G20 समिट ने किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की वैश्विक मान्यता मिली। UPI, बैंकिंग, आधार और मोबाइल टेक्नोलॉजी में भारत में जो क्रांति हुई है, इसकी भूरी भूरी प्रशंसा समग्र विश्व के नेताओं ने की है। मित्रों, आज मैं यहाँ आया हूँ तब बहुत लंबी बात करना नहीं चाहता, परंतु एक बात जरूर कहना चाहता हूँ। ये 400 दिन के निजाम के शासन में यहाँ की जनता ने जो अपार यातनाएं सहन की है, इसका हिसाब
विश्व की यातनाओं के इतिहास में कहीं पर मिलना नहीं। इसीलिए सरदार पटेल ने कहा था, स्वतंत्र हैदराबाद भारत के पेट में कैंसर के समान है, उसका ऑपरेशन के बगैर और कोई रास्ता हो नहीं सकता। और इसलिए उन्होंने पुलिस एक्शन के माध्यम से हैदराबाद को स्वतंत्र करने का काम किया। बड़ी दुर्भाग्य की बात है, तेलंगाना की रचना के बाद भी तेलंगाना विमोचन दिन मनाने में वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण ये पार्टियां जो संकोच कर रही है, मैं उनको कहना चाहता हूं, जो अपने देश के इतिहास से मुंह मोड़ लेते हैं, देश की जनता उनसे मुंह मोड़ लेती है। हमारे देश के इतिहास पर गौरव कर, हमारे शहीदों के शहादत पर गौरव कर, स्वतंत्र संग्राम के इतिहास पर गौरव कर ही हम इस देश और हैदराबाद को, तेलंगाना को आगे बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर जिस प्रकार से निजाम के क्रूर शासन ने कई फरमान दिए थे, माफूसा और गैर माफूसा का भेद खड़ा किया था, उससे मुक्ति सरदार पटेल ने दिलाई थी। कई ऐसी घटनाएं हैं जिसके जिक्र से भी आज रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं एक ही का उल्लेख करना चाहूँगा, परकल्ला तेलंगाना 2 सितंबर 1947, 1500 से ज़्यादा लोग भारतीय तिरंगा फहराने के लिए परकल्ला कस्बे में एकत्रित हुए। निजाम की रजाकार फौज ने जनरल डायर की तरह गोलियां चलाने का आदेश किया, 150 लोग घायल हुए, कई लोग मारे गए। ऐसा निर्मम हत्याकांड मराठावाड़ा के परभणी के गुंडा गांव में भी हुआ और बीदर के पास घोरटा में भी हुआ। इस सभी से मुक्ति दिलाने का काम सरदार पटेल ने किया। के.एम. मुंशी और सरदार पटेल, ये दो देशभक्त नेताओं ने हैदराबाद मुक्ति का डिजाइन किया और उसको अंत तक लागू किया। और 10 अगस्त 1948 को सरदार पटेल ने कहा था कि हैदराबाद समस्या के समाधान का एक ही रास्ता है और वह है हैदराबाद का भारत में विलय, जिसको 17 सितंबर 1948 को उन्होंने सरेंडर किया और निजाम शरण में आए। मित्रों, आज मैं तेलंगाना राज्य की जनता को, कर्नाटक के कल्याण कर्नाटक की जनता को और मराठावाड़ के महाराष्ट्र की जनता को कहना चाहता हूं कि ये जो दिन है, ये दिन की स्मृति जो है, हमारा संघर्ष है, हमारे शहीदों का बलिदान है, उसको युगों युगों तक हम याद कर रखें, जिससे आने वाली पीढ़ियां इससे प्रेरणा ले और देश के विकास के लिए अपने आप को समर्पित करें। अंत में मैं फिर से एक बार सरदार वल्लभ भाई पटेल, के.एम. मुंशी और जिन जिन सभी महान आत्माओं ने देश के लिए, हैदराबाद मुक्ति के लिए बलिदान दिया, वो सबको प्रणाम कर मेरी वाणी को विराम देता हूँ। मेरे साथ फिर से एक बार बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद महोदय। गृह मंत्री अमित शाह हैदराबाद मुक्ति दिवस पर एक रैली को संबोधित कर रहे थे। 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद का भारत में विलय हुआ था और इस मुक्ति संग्राम के वीरों और शहीदों को उन्होंने नमन किया। साथ ही साथ सरदार पटेल को भी उन्होंने याद किया, जो रचयिता रहे उसके आज़ादी के, और 75 साल तक किसी भी सरकार ने ऐसा कार्यक्रम नहीं किया है। और बहुत ज़रूरी है कि जो मौजूदा पीढ़ी है वो शहीदों के बलिदान को जाने और उससे प्रेरणा लें। प्रधानमंत्री को भी उन्होंने जन्मदिन की बधाई दी एक बार फिर और कहा कि किस तरह से आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार नए कीर्तिमान रच रहा है। खबरों में फिलहाल इतना ही, इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद आप देख सकते हैं हमारा विशेष कार्यक्रम। आज विश्वकर्मा दिवस पर प्रधानमंत्री जो आज तमाम कामगारों को देने जा रहे हैं एक नई सौगात, उस पर देखेंगे हमारी विशेष पेशकश। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।